नमोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। बीए बीएड फॉर्म लेके हिंदी साहित्य विषय की बात करेंगे तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है हमारा मीरा की पदावली, तो मीरा के पदों की व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जा चुकी है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट जो है आपकी जिसमें अनुवाद और प्रयोजन मूलक हिंदी की अर्थ परिभाषा और स्वरूप की चर्चा की जा चुकी है। आज दूसरी यूनिट जो है हिंदी की प्रयोजन मूलक शैलियाँ और हिंदी का प्रयोजन मूलक प्रयोग, उसके ये जो टॉपिक्स है उसकी चर्चा जो है इस क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी की प्रयोजन मूलक शैली की हम बात करते हैं। प्रयोजन मूलक शैली से तात्पर्य है लेखन जो है वो लेखन का जो तरीका है, लेखन का जो एक तरह से कौशल है उसकी गणना जो है वो शैली के अंतर्गत की जाती है। अब यहाँ पे जो विविध शैलियाँ जो यहाँ पे हमारे पाठ्यक्रम में है, बोलचाल की शैली है, संवाद शैली है, विचारात्मक शैली है, पत्र लेखन शैली है और प्रशासनिक शैली है। तो इन शैलियों में जो महत्वपूर्ण इन सब की अपनी जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेष जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो इस प्रकार से है। बोलचाल की शैली और जो साधारण जो वार्तालाप की जो शैली है उसके अंतर्गत जो है वो हमें प्रमुख रूप से जो है वो उसमें बातचीत करते समय जो है वो एक गरिमायुक्त जो है वो शब्दावली जो है शब्द भंडार जो है उसका प्रयोग जो है वो किया जाना यहाँ पे जो है वो उसकी अनिवार्यता होती है। दूसरा जो है संवाद शैली, संवाद से तात्पर्य कथन, तो ये बड़ी प्रमुख जो है शैली के रूप में इसकी जो है वो चर्चा हिंदी के अंतर्गत की जाती है। हिंदी का जो नाटक साहित्य है, जो एकांकी साहित्य है, उसके अंतर्गत जो है वो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो रहती है। तो संवाद जो है वो एक तरह से लेखन में जो है लेखन को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अपनी अदा करता है। तो संवाद जो है मजबूत होने चाहिए, संवाद का जो प्रदाता है वो जो है उसकी उसके स्तर के अनुकूल होने चाहिए और संवाद ही जो है वो लेखन का जो है वो एक तरह से भविष्य जो है वो तय करते हैं कि वो ये रचना जो है वो कितनी सफल जो है वो होगी। तो संवाद शैली भी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अपने रखती है। उसके पश्चात जो तीसरी यहाँ पे है विचारात्मक शैली, विचारात्मक शैली जो है वो मुख्य रूप से साहित्य में निबंधों के अंतर्गत जो है निबंध आलोचना के क्षेत्र में जो है वो इसका विचारात्मक शैली का प्रयोग जो है वो बहुत आयत में देखने को मिलता है। और हिंदी के जो बड़े निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, तो इन निबंधकारों के यहाँ पे इस प्रकार के विचारात्मक शैली के दर्शन जो है वो हमें होते हैं। इस प्रकार की शैली के द्वारा लेखक जो है वो पाठकों और श्रोताओं में जो है वो एक उनमें एक बड़े तार्किक विश्लेषण के साथ जो है वो अपनी बात को रखता है और पाठक की भावभूमि तक पहुंचने की कोशिश जो करता है वो पाठक की अंतर चेतना को जो झकझोरता है और उसे जो है वो प्रेरणा प्रदान करता है। तत्पश्चात पत्र लेखन शैली, पत्र जो है लेखन जीवन का एक तरह से एक अनिवार्य हिस्सा जो है वो है हमारा। तो शुरू से ही जो है वो हम छोटी क्लासों से पत्र लेखन जो है वो करते आए हैं और तो पत्र लेखन शैली में उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें जो है वो किसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए किस प्रकार के संज्ञाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, कार्यालय है तो उससे संबंधित जो है वो कहाँ पर कार्यालय का नाम लिखा जाए, ठीक है, किस तरह पर भगवती महोदय इत्यादि का जो है वो उसको रखा जाए, तो ये सभी बातों का जो है वो ध्यान इसके अंतर्गत रखना होता है। और उसके पश्चात है प्रशासनिक शैली, तो कार्यालय कामकाज में जो सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार
दिया जाना चाहिए किस प्रकार से, वो सब इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो शैली है क्या? भाषा को आकर्षक बनाने में शैली का प्रमुख स्थान होता है। तो शैली जितनी उन्नत होगी, जितनी प्रभावक होगी, उतनी ही भाषा जो है वो आकर्षक होगी। भावों और विचारों को प्रभावी बनाने के लिए अच्छी भाषा शैली की आवश्यकता होती है। तो भाव और विचार जो है वो प्रभावी तभी बनेंगे जब भाषा शैली जो है वो मजबूत होगी। भाषा के प्रयोजन मूल्य रूपों में अनेक शैलियों का प्रयोग किया जाता है, और ये शैलियां कौन कौन सी है? संवाद शैली, पत्र लेखन शैली, भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली और विवरणात्मक शैली। ये शैलियां प्रयुक्तियों में क्षेत्र विशेष की शैलियों में संदर्भानुसार प्रयुक्त होती है। तो अलग अलग संदर्भों में जो है इनका प्रयोग जो है वो होता है। जैसे भाषा के प्रयोजन मूल्य रूपों में संवाद शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। तो संवाद शैली जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवाद ही जो है वो एक तरह से प्राण तत्व है, लेखन का प्राण जो है वो है संवाद। तो संवाद शैली जो है वो सबसे ज्यादा महत्व जो है वो रखती है। संवाद जितने मजबूत होंगे, संवाद जितने प्रभावी होंगे, संवाद जो प्रदाता है उसके स्तर के अनुकूल होंगे, तो उन सब के ऊपर जो है वो रचना का भविष्य जो है वो तय होता है। और वो रचनाएं जो है वो इस प्रकार के संवादों से युक्त जो रचनाएं होती है वो रचनाएं एक तरह से अमर हो जाती है। तो संवाद शैली जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन मूलक हिंदी की शैलियों की बात करें उसमें अपना स्थान रखती है, क्योंकि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में व्यक्ति व्यक्ति के बीच विचार विनिमय संवाद द्वारा ही संभव होता है। तो किसी भी कार्य क्षेत्र में विचारों का जो आदान प्रदान है उसका जो है सबसे बड़ा जो माध्यम है वो संवाद ही है। संवाद से तात्पर्य कथन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कहेगा तो उसका जो वो कहने का जो है तरीका जो है, ठीक है, उसके जो कथन है वही संवाद है, और वही जो है वो उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है कि हमें किसी से जो है वो कोई कार्य है ना किसी, तो उस कार्य को जो है वो हम अपनी बात को किस प्रकार से उस अगले व्यक्ति के सामने रखते हैं, ठीक है, किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और उस जो है वो शब्दावली और वो हमारी जो भाषा की जो अभिव्यक्ति का वो जो तरीका है वो ही जो है वो एक तरह से हमारी सफलता को जो तय करता है। तो इसलिए संवाद शैली का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यिक हिंदी में संवाद शैली का प्रयोग जो है, हिंदी में संवाद शैली का प्रयोग जो है मुख्य रूप से एक विधा में होता है। नाटक सबसे प्रमुख है, नाटक में संवादों का प्रयोग होता है। रूपक है, एकांकी है, भेंट वार्ता है, दो व्यक्तियों का आपस में जो है जो बातचीत होती है उसमें, आदि साहित्य विधाओं में संवाद शैली का प्रमुखता से प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसके पश्चात जो बड़ा महत्व रखने वाली जो भाषा शैली है प्रयोग मूलक हिंदी के अंतर्गत वो है पत्र लेखन शैली। प्रयोजन मूलक संदर्भों में पत्र लेखन शैली अत्यधिक उपयोगी और आवश्यक शैली है। कौन लिखता है, किसे लिखता है तथा औपचारिक संदर्भ क्या है, इसके अनुसार पत्रों के रूप बदलते हैं। तो किसे पत्र लिखा जाना है, अब जिसे लिखा जाना है वो किस पद पे अभिषिक्त है, तो उसके पद की उसकी गरिमा को ध्यान रखते हुए हमें उस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सब जो तौर तरीका है उसका ध्यान जो है रखना, ये सारी बातें जो पत्र लेखन शैली के अंतर्गत आती है। और ये भी प्रयोजन मूलक हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण शैली जो है वो मानी जाती है। इसके अनुसार पत्रों के रूप बदलते हैं। भावात्मक शैली कह दो, विचारात्मक शैली कह दो, उद्देश्य लिखित सामग्री के पाठकों या प्राप्तकर्ताओं में विषय अनुकूल भाव जगाना है। विषय के अनुकूल क्या विषय है, उस विषय के अनुसार जो है भावों को उद्दीप्त करना है पाठक के मन में। ऐसे निबंध का शीर्षक है उत्साह। तो उत्साह का ये जो भाव जो है लेखक जो है वो अपनी लेखनी के द्वारा उस भाव को पाठक के हृदय में जागृत करता है। ये उसके लेखन का कौशल है जिसके माध्यम से वो भी उदाहरणों के द्वारा, ठीक है,
विभिन्न दृष्टांतों का प्रयोग करके और अपने भाषा में इस प्रकार के जो है वो गूढ़ मार्मिक शब्दावली का प्रयोग करके पाठक के हृदय में उन भावों को जागृत करता है। तो ये भावात्मक शैली जो है का काम होता है। भावात्मक शैली का प्रयोग साहित्य के अंतिम अंतिम होता है, क्योंकि भाव जो है वो साहित्य का जो है वो प्राण प्राण है एक तरह से, ठीक है। विविध भाव जो है और साहित्य का उद्देश्य भी जो है इन विविध भावों को पाठक के हृदय में जो है वो भाव तो है ही है सबके हृदय में, लेकिन उस भाव को जो है वो जीने लगे पाठक, उस भाव को जीने लगे पाठक का उस भावों से तादात्म्यकरण हो जाए, ये जो कौशल है ये लेखक की लेखन की कुशलता के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। तो उस उन भावों को लेखक अपनी लेखनी के द्वारा जो है वो जागृत करता है। तो भावात्मक शैली साहित्य साहित्य हिंदी में भावात्मक शैली का अधिक प्रयोग होता है और हिंदी के जितने भी बड़े अच्छे साहित्यकार हैं उन सबके वहाँ पे जो है वो हमें इस प्रकार की शैली के दर्शन जो है वो होते हैं। अब इसके पश्चात जो है आपके विचारात्मक शैली, विचारात्मक शैली का संबंध वैचारिक पक्ष से है, वैचारिक पक्ष से विचार से। विविध विषय जो है जीवन के विविध विषयों के बारे में लेखक के क्या विचार है, भ्रष्टाचार एक विषय, बेरोजगारी एक विषय, विज्ञान और तकनीकी एक विषय, और जो विविध भावों की बात हम कर रहे थे उत्साह लज्जा करुणा साहस, ये सब भावों के बारे में लेखक के अपने जो विचार हैं वो उन विचारों को जो है वो विचारात्मक शैली के रूप में जो है वो उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो करता है और उसका उद्देश्य जो है वहाँ पे वो भावों को जो है वो उद्दीप्त करने वाले भावों को उद्दीप्त कर दे इस प्रकार की शैली के द्वारा जो है वो अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण वहाँ पे करता है। विचारात्मक शैली की भाषा अत्यधिक जटिल होती है, वो भाषा थोड़ी गूढ़ होती है, तो उस गूढ़ भाषा को समझने के लिए पाठक में भी उस प्रकार की जो है वो मानसिक क्षमता होना आवश्यक है और वो क्षमता जो है वो उसकी अध्ययन के ऊपर निर्भर करती है कि पाठक का जो है वो पाठक किस वर्ग का किस वर्ग से जो है वो संबंधित है और उसकी जो है वो मानसिक विचारधारा और उसकी भावधारा कहाँ तक जो है वो विकास हुआ है, तो वही पाठक जो है इस प्रकार के जो विचारात्मक शैली में लिखने वाले जो लेखक हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, अजय प्रसाद द्विवेदी हो गए, विद्यानिवास मिश्र हो गए, उपेंद्रनाथ राय हो गए, तो उन लेखकों की उस विचारात्मक शैली को पाठक जो है वो भली भांति जो है उस उन भावों को उस भाव भूमि तक जा करके वो उसको जो है वो समझ सकता है। तो ये विचारात्मक शैली जो है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण शैली के रूप में जो है वो हमारे सामने है और इसमें प्रमुखता होती है बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, ज्ञान विज्ञान की सहायता आदि शैली की विशेषता है बुद्धि तत्व की प्रधानता, यानी जो तर्क वितर्क और बुद्धि की हम बात करें तो उच्च कोटि का जो है वो विचार विश्लेषण और एक तर्क वो जो है वो यहाँ पे जो है वो नजर आता है, वो प्रमुखता से जो है वो उसके दर्शन जो है वो इस शैली में होते हैं। तो और इसका प्रयोग जो है वो वैज्ञानिक हिंदी में अधिक होता है। तो और प्रशासनिक शैली की हम बात करें तो इस प्रकार से ये प्रयोजन मूलक हिंदी की ये प्रमुख शैलियाँ हैं जिनका जिनके अंतर्गत जो है विविध जो इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा जो है वो हमने करी। तो बोलचाल की शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली, पत्र लेखन शैली और प्रशासनिक शैली, तो इन शैलियों में जो है क्या जो क्या महत्व जो है वो होता है इनका लेखन में और इस प्रकार की शैली में जो है वो किस किन विशेष बातों का जो है वो ध्यान जो है वो लेखक रखता है उन सब की चर्चा जो है वो हमने करी। अब अगला अपना जो
इसके अंतर्गत अपनी इस यूनिट का जो है वो टॉपिक जो है वो है आपका हिंदी का प्रयोजन मूलक प्रयोग, और हिंदी के प्रयोजन मूलक प्रयोग के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा। विज्ञान और तकनीकी एक जो क्षेत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी का, उसके अंतर्गत किन बातों का जो है वो ध्यान रखा जाता है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण में, और क्या इसकी विशेषताएं, वो सारी बातें जो यहाँ पे आएगी। विज्ञान और तकनीकी जो है उसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले इसमें भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव, ये विज्ञान की चारों शाखाओं से संबंधित भाषा और इंजीनियरिंग, प्रेस, फैक्ट्री आदि के प्रयुक्त भाषा रूप आ जाते हैं। तो ये विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, अलग अलग जो ब्रांचेज है साइंस की, उन सब की चर्चा जो है वो इसके अंतर्गत उन सब इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली जो शब्दावली है, उनकी जो अवधारणाएं हैं, वो सारी वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये इसकी जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारी शाखाएं जो है, और इसके अंतर्गत इसकी जो अवधारणाएं हैं, इसके जो तत्व हैं, उन सब की चर्चा जो है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के अंतर्गत की जाती है। तो इनकी अपनी शब्दावली है, तो शब्दावली का जो है वो हालांकि कुछ हद तक इनमें संरचना को भेद भी होता है, लेकिन इन सभी उप प्रयोगियों की संरचना में स्थूल समानता भी होती है। तो सब ब्रांचेज अलग अलग है, रसायन विज्ञान अलग शाखा है, भौतिक विज्ञान अलग शाखा है, जीव विज्ञान अलग शाखा है, लेकिन अलग होते हुए भी चूंकि सारी जो है वो विज्ञान की शाखाएं हैं, तो विज्ञान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, ठीक है, इसके जो आधारभूत जो विज्ञान के जो तत्व है, जो विज्ञान को विज्ञान बनाता है, वो सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है वो इनकी सामान्य है, कॉमन है, सब में जो है वो नजर आती है। तो वो विशेषताएं क्या होनी चाहिए विज्ञान की, जैसा कि विज्ञान की परिभाषा को हम जाने, तो प्रकृति के क्रमगत अध्ययन और प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान तर्क के ऊपर आधारित होता है, विज्ञान प्रमाण के ऊपर आधारित होता है, विज्ञान अनुसंधान पर आधारित होता है, विज्ञान विचार और विश्लेषण, गहन और गूढ़ विचार और विश्लेषण के ऊपर आधारित होता है। तो विज्ञान की जो सारी जो विशेषताएं हैं, इन सारी विशेषताओं को विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो अपने अंदर समाहित करके चलती है। तो वही विशेषताएं यहाँ पे उन्हीं बातों का जो विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जब वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा की शब्दावली का निर्माण जब किया जाता है, तो विज्ञान की सारी विशेषताओं का उसमें समावेश हो जाए, ये जो है वो जो आयोग जो है विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग जो है उसके द्वारा जो है इस बात को प्रमुखता दी जाती है, और वही सारी विशेषताएं जो है वो इसको जो है ना वो विज्ञान सम्मत बनाती है। तो उसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पहली जो विशेषता है इसकी, वो है सुस्पष्टता और परिशुद्धता। तो पहली प्रथम विशेषता है इसकी सुस्पष्टता और परिशुद्धता। सुस्पष्टता सब अपने आप में स्पष्ट है कि स्पष्ट होनी चाहिए, और वो भाषा जो है वो अपने आप में शुद्धता को दिए हुए हो। तो ये सर्वमान्य तथ्य है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा सुस्पष्ट, सुनिश्चित, संक्षिप्त, सुबोध और सरल होनी चाहिए। तो सर्वमान्य तथ्य है कि चूंकि विज्ञान की भाषा है, तो विज्ञान के अनुसार विज्ञान की विशेषताओं को समझ लिए हो, तो ये सारी विज्ञान की विशेषताएं क्या, कि उनको सुस्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम, किसी प्रकार का कोई संदेह उसके लिए कोई स्थान नहीं होता है, वो अपने आप में स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, साहित्य की जो है वो साहित्यिक शब्दावली में मैं इसको अभिव्यक्त करूँ तो ये कह सकते हैं कि एक ही शब्द है, शब्द भले छोटा हो लेकिन वो शब्द जो है अपने आप में पूरी अवधारणा को, ठीक है, पूरे उसके प्रतिपाद्य को, उसके उद्देश्य को हमारे सामने जो है वो उजागर करने में सक्षम हो, समर्थ हो, तो वो ये विशेषता जो है वो होनी चाहिए। जैसा बिहारी के गोहों के बारे में कहा जाता है, सत सैया के गोहरे जो नाग के तीर, देखने में छोटो लगे
घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार की जो है ना इस शब्दावली की विशेषता होनी चाहिए कि जिस अवधारणा के लिए जिस जिन तत्वों के लिए जो शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है वो शब्द जो है वो अपने आप में जो है वो पूरी तरह से उस अवधारणा को स्पष्ट कर दे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो भाषा और उसके साथ सुबोध होनी चाहिए, जो पाठ जो है वो अच्छे प्रकार से भली प्रकार से उसको हृदयंगम कर सके और वो उस अवधारणा को उसके सामने स्पष्ट कर दे, ना कि शब्द इतना भारी हो तो उस शब्द में उलझ रह जाए, उसके अर्थ को जो है ना अर्थ जानने में जो उसको जोड़ा जाए। तो इस प्रकार का भी होना चाहिए, वो सुबोध होना चाहिए जो पाठक उसको हृदयंगम कर सके, उसके भाव को उस अवधारणा को आसानी से समझ सके और सरल होनी चाहिए। सुस्पष्टता एवं निश्चयात्मकता परस्पर पूरक है। अब सुस्पष्टता के लिए एक शब्द दे दिया है, एक तरह से इसका पूरक शब्द निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से मतलब है अंग्रेजी में कहें तो एग्जैक्ट, यानी एक जो है निश्चित, जो उसका जो तय अर्थ है उस तय अर्थ को उसके तय भाव को हमारे सामने वो जो वो शब्द जो है वो उसको स्पष्ट करते हैं। ये इस प्रकार की जो है उसकी विशेषता जो है वो होनी चाहिए, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रयोजन मूलक हिंदी की क्षेत्र की शब्दावली मूलतः अंग्रेजी शब्दावली जो है उसी का अनुवाद है। शब्दों के निर्धारण निर्माण तथा लिपियंत्रण प्रक्रिया में यह ध्यान दिया गया है कि सुस्पष्टता और परिशुद्धता की रक्षा हो। ये विशेषता जो है उसका प्रमुखता से यहाँ पे ध्यान दिया गया कि शब्दों का जो एक तो निर्माण नए शब्दों का जो निर्माण होगा वो जो है इस विज्ञान जो है विज्ञान की विशेषताओं के अनुकूल, उसकी विशेषताओं को हमारे सामने प्रस्तुत करने में जो समर्थ हो उस प्रकार से। और दूसरी जो बात है यहाँ पे वो है उसका निर्धारण। निर्धारण से मतलब है तय करना, जिस शब्द को तय किया जाएगा कि हाँ ये शब्द क्या है उपयुक्त वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा के लिए, किसी अवधारणा के लिए, किसी तत्व के लिए ये शब्द उपयुक्त है, तो उसकी उपयुक्तता की भली प्रकार से पहले जांच की जाती है और उसकी जांच की जानी चाहिए और उसके उपरांत जो भी विज्ञान की विशेषता विज्ञान की कल्पना या कोई निर्थकता जो है उसके लिए कोई स्थानीय विज्ञान तो जो बिल्कुल एक तरह से प्रमाणिक है जिसके पीछे कोई ठोस भाव नहीं है ठोस आधार है उन्हीं बातों को विज्ञान जो है वो स्वीकार करता है। तो ये जो स्वीकृति है विज्ञान की इसका विशेष ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। और इस क्षेत्र में हो रहा है तो इस प्रकार के शब्दों का निर्माण इस विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हो रहा है, इन सब बातों का ध्यान भी रखा जा रहा है। वैज्ञानिक अपना तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस क्षेत्र की भाषा की विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस संबंध में सिद्धांत भी बनाया है। जो आयोग बना है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, उसमें भी जो है वो इन बातों को महत्व दिया गया है, इस बात को कि जो संक्षिप्तता और सुबोधता और ये सुस्पष्टता परिशुद्धता ये जो प्रमुख विशेषता है इन विशेषताओं का विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखा जाए, तभी जो है विज्ञान जो है वो अपने जो उसका जो बड़ा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति करने में जो है ये सक्षम हो पाएगा। सुबोधता का तात्पर्य वार्ता और निष्प्रयोग विपर्य अत्यधिक अनुप्रासात्मक विन्यास के परिहार से। अब सुबोधता क्या है, सुबोधता को परिभाषित किया है यहाँ पे एक तरह से कि वाग्जाल। वाग्जाल से मतलब है कि व्यर्थ का जो शब्दों का आडंबर वहां पर नहीं होना चाहिए, उसके लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है। जो और जो निष्प्रयोजन है ऐसी ऐसी जो है ऐसी अवधारणा है इस प्रकार के शब्द जिनका कोई उद्देश्य नहीं है कोई औचित्य नहीं है तो उसके प्रयोग के लिए वहां पर कोई भी स्थान नहीं है। तो इस प्रकार की जो है वो ये जो विचारधारा उससे बचा जाना चाहिए और बिल्कुल जो है वो जो सार तत्व जो है वो जो उसको प्रस्तुत करने वाले जो शब्द हैं और विज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट करने वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग जो है वो विशेष रूप से वहाँ पे किया जाना चाहिए। और तो ये दूसरी विशेषता थी हमारी वैज्ञानिक और
तकनीकी हिंदी की। अब तीसरी विशेषता के रूप में हमारे सामने जो है वो है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता एक तरह से विज्ञान को परिभाषित करने वाला शब्द है, यानी विज्ञान की विशेषता है। विज्ञान की विशेषता क्या है? विज्ञान की विशेषता है कि विज्ञान के वो अनुसंधान पर आधारित है, विज्ञान विचार और विश्लेषण पर आधारित है, विज्ञान जो है वो तर्क पर आधारित है, विज्ञान में बुद्धि तत्व की प्रधानता है, विज्ञान किसी जो है वो ठोस आधार और ठोस प्रमाण उसको स्वीकार करता है। तो इन सब बातों को परिभाषित करने वाला जो शब्द है वो है वस्तुनिष्ठता। अपने आप में इन सब विशेषताओं को समाहित किए हुए, तो इस प्रकार की जो है ये विशेषता वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा की होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता। तो विज्ञान की भाषा अनुसंधानाधीन समस्याओं और परिणामों के प्रति वैज्ञानिक वस्तु पर चिंतन शैली का प्रतिपादक है। तो अनुसंधान अनुसंधानाधीन अनुसंधान के रूप को जो समस्या है जो परिणाम है उसके प्रति वस्तु पर चिंतन शैली जो है, वस्तु पर समझ लो तथ्य पर, वही बात है जिसके पीछे जो है कोई ठोस प्रमाण ठोस आधार है। वैज्ञानिक भाषा औपचारिक या निर्वैयक्तिक होती है, वैज्ञानिक भाषा में वैयक्तिकता नहीं होती है, ठीक है, यानी व्यक्ति के अपने जो है जो भाव विचार है, ठीक है, वैयक्तिक जो संस्पर्श जो है उसका अपना जो निजी अनुभव है, उसकी निजी अनुभूतियाँ हैं उनका कोई स्थान यहाँ पर नहीं होता है, निर्वैयक्तिक होती है। इस क्षेत्र के लेखन में सामान्यतः कर्मवाच्य का अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह निर्वैयक्तिक लेखन में सहायक होता है। तो ये वस्तुनिष्ठता इसकी अपनी विशेषता थी। उसके पश्चात अगली जो विशेषता है हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी की जो भाषा की वो है शब्दावली विशेषता है, उसके अंतर्गत वो है आलंकारिकता का अभाव। अलंकारों का प्रयोग आलंकारिकता का प्रयोग किया जाता है भाषाई सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, और भाषाई सौंदर्य जो है ये विषय हो गया हमारे साहित्यिक लेखन शक्ति का। विज्ञान में यहाँ उससे लोगों कोई उसका कोई सरोकार नहीं, कोई महत्व नहीं है, तो अलंकारिकता का अभाव जो है वहाँ पर होना चाहिए। तो भाषा को और साहित्य में भाषा को रोचक बनाने के लिए, लेखन को आकर्षक बनाने के लिए इस प्रकार की अलंकारिकता का प्रयोग जो है वहाँ पर होता है, लेकिन विज्ञान में आकर्षण और रोचकता का कोई स्थान नहीं है।